ये जाने जाते हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टडी के लिए जो है रेबेलिस जिस बारे हम पढ़ने वाले हैं इन्होंने कार्निवल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि कार्निवल अगर होंगे तो उससे लाफ्टर आएगा यानी कि उससे खुशी आएगी और ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं इनसे एक तरीके की फ्रीडम मिल जाएगी लोगों को अब भक्तिन ये भी बताते हैं कि ग्रोटेस्क्यू रियलिज्म क्या होता है पर हमें जो फोकस मेन करना है वो हमारी इस टेक्स्ट पे करना है बेसिकली वो बताते हैं कि कैसे जो बॉडीली इमेजेस हैं उनको एग्जाग्जरेट किया जाता है ताकि जो बुक्स हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट्स उभर के आ सकें तो लेटेस्ट स्टार्ट पहला पॉइंट है हमारा शिफ्ट इन स्टडी फोकस तो बेसिकली भक्तिन बताते हैं कि कैसे जब उन्होंने कार्निवल का कॉन्सेप्ट दिया आपने इस कॉन्सेप्ट में रेबेलिस के कॉन्सेप्ट में कार्निवल का कॉन्सेप्ट निकाला तो उस टाइम कैसे एक तरीके का पूरा चेंज आ गया एनवायरनमेंट में एक तरीके का चेंज आ गया जो नॉर्म्स चलते आ रहे थे उनमें राजर जी टिपिकल स्कॉलरली अप्रोच भक्ति ऑन अ फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन एग्जामिनिंग हाउ

के बारे में खोज करते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स के ऊपर खोज करते हैं और एक्सप्लोरेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं कार्निवल पार्टी कार्निवल एज बाय बाईन इज नॉट जस्ट एनी सेलिब्रेशन इट्स अके लास्टर्स इट प्रोवाइड फ्रॉम दूजल रूटीन ऑफरिंग अम सोसाइटी नॉर्म्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्तिम के हिसाब से कार्निवल सिर्फ कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन नहीं है कार्निवल एक ग्रैंड पार्टी होती है एक ऐसी पार्टी जिसमें हंसी और खुशी के अलावा और कुछ नहीं होता ये एक तरीके का टेम्प्री एस्केप होता है जो डेली लाइफ के स्केड्यूल्स है उनसे ताकि लोगों को सोसाइटी के नॉर्म से थोड़ा ब्रेक मिले और वो खुश होकर अपनी जिंदगी को बिता सके उसके कुछ पल बिता सके ऑफिशियल फीस यहाँ पे एक ड्रॉ uh, किया है कम्पेरिजन बिटवीन ऑफिशियल फीस और कार्निवल के बीच में अब जो दावतें होती है फीस है ना उसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं जिनको हम जानते हैं और वो लोग मिलकर मजे करते हैं पर कार्निवल क्या है कार्निवल के दौरान अनजान लोग आपस में मिल सकते हैं क्योंकि सब अलाउड होते हैं आने के लिए और इस, इसी वजह से कोई सोशल डिविजन क्रिएट नहीं होता कि इस कास्ट के लोग नहीं आएंगे या ये लोग नहीं आएंगे या सिर्फ इतने लोग आ सकते हैं तो ऐसे माहौल में लोगों को फ्रीडम फील होती है और वो फेमिलरिटी फील करते हैं एक दूसरे मिलजुल सकते हैं एक कार्निवल में वो <clears throat> कार्निवल एज अ टाइम आउट

Uh, अपनी बोरिंग लाइफ से अपनी स्केड्यूल्ड लाइफ से एक डिपार्चर ले सकते हो एक छोटा डिपार्चर जिसमें सिर्फ लाफ्टर होगा जिसमें सिर्फ खुशी होगी स्पेशल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग कार्निवल कार्निवल फॉस्टर्स फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन स्पेशली एविडेंट इन द मार्केट प्लेस दिस रिजल्ट इन अ डिस्टिंट स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन दैट ब्रेक्स फ्री फ्रॉम कन्वेंशनल नॉर्म ड्यूरिंग द कार्निवल पीरियड ये कहते हैं कि जो लोग बात कर रहे होते हैं ना कार्निवल के दौरान वो आपको जैसे मार्केट प्लेस में दिखती है कि इसे कोई लोग आपस में एक दो सब्जी खरीदते हैं मिल गए तो बात कर रहे हैं जो दूसरे को नहीं जानते तो उनकी बात करने का स्टाइल एक्सप्रेशन का स्टाइल काफी फ्री होता है तो क्योंकि वो कुछ भी बोल सकते हैं जो सामने वाला उनको जज नहीं करेगा ऐसे ही कार्निवल में होता है कि उनकी फैमिली के लोग नहीं है या कोई जानने पहचानने के लोग नहीं है तो वो उनसे कुछ भी फ्री हो बोल सकते हैं और एक एक्सप्रेशन का स्टाइल कुछ डिफरेंट बन जाता है सिंबॉलिक लैंग्वेज ऑफ कार्निवल The symbolic language used during carnival is rich with representations of change and and renewal. It stands in stark contrast to established truths and authoritative, authoritative जैसे जो नाच गाना हो रहा होता है कार्निवल में वो एक तरह की सिम्बॉलिक लैंग्वेज है जो लोग आपस में मिल रहे हैं बातें कर रहे हैं खा पी रहे हैं ये एक सिम्बॉलिक लैंग्वेज है जो दिखाती है कि आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है स्केड्यूल्ड लाइफ से बाहर निकल के आप कुछ डिफरेंट कर पा रहे हो तो एक तरीके का क्या है कंट्रास्ट आपके से जो आप लाइफ में जी रहे हो उससे बाहर निकल, उस निकल, निकल के आप बाहर आके अपनी चीजों को एंजॉय कर सकते हो ग्रोटेस्क्यू रिज्मी बॉडीज तो बेसिकली जो मिखेल भक्तन का ये वर्क है इसमें दिखाते हैं कि कैसे जो ह्यूमन बॉडी है उसको या उसकी डिफॉर्मिटीज हैं, उसमें जो कुछ दिक्कतें होती है कभी कभी उसको एक ह्यूमरस वे में शो किया जाता है एक फनी वे में शो किया जाता है जो कि एक तरीके का डिपिक्शन है एक तरीके का प्रेजेंटेशन है अथॉरिटीज uh, और सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए कि जो लोग इन सबको एक तरीके का लिमिटेशन मानते हैं उसी चीज को ये लोग अ वे ऑफ प्लेजर मान रहे हैं वे ऑफ लाफ्टर मान रहे हैं तो यही वर्क होता है इसमें ऐसे कॉन्सेप्टी है यानी की ऐसे कॉन्सेप्ट जो असलियत में नहीं असलियत में प्रेजेंट नहीं है असलियत में नहीं दिखते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है ऐसे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल वे में शो किया जाता है जैसे कि जैसे कि डेविल्स, ऐसे को प्रैक्टिकल अर्थली प्रल में शो किया जाता है सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इट इज मार्केट प्लेस स्पीच एंड बोल्ड वर्ड्स द मार्केट प्लेस पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली ड्यूरिंग कार्निवल बिकम्स अ स्पेस फॉर यूनिक एंड बोल्ड एक्सप्रेशन

Last point is Pantagruel's introduction. The opening of Pantagruel's story mimics the vibrant atmosphere of a marketplace pitch. It employs playful praise for the story and its readers, while simultaneously poking fun at the seriousness of religious teachings, transforming it into a light-hearted and carefree truth. अब इसमें क्या किया जाता है ये ला हमारे इस वर्क में इसको लास्ट में इंट्रोडक्शन दे दिया गया है इसका कि पैंट्रागुल की स्टोरी का आ, स्टार्टिंग होती है और ये बताते बताते एक सीरियस स्टोरी है इस सीरियस स्टोरी को पहले तो उसको प्रेज किया जाता है इसके बारे में बात की जाती है फिर इसी की सीरियसनेस पे इसी की जो स्टोरी है उस पर मजाक बनाया जाता है यानी कि ऐसा मजाक जो किसी को ऑफेंड ना करे और इसी वजह से लोगों को इस सब चीजों में इन्वॉल्व होने में और इनके बारे में बात करने में फन करने में मजा आता है सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लीफ